अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा की बस्ती से मैं हूं आपकी मेज़बान रूहा राशिद और आज आपके सामने हाजिर हूं एक स्पेशल फूड ब्लॉग के साथ। आज मैं जौहर टाउन शौकत खानम के बिल्कुल करीब शवाफिल पर मौजूद हूं। यहां पर सीरिया शाम से आए अहमद हैं जो कि स्पेशल तरीके से शवारमा बनाते हैं और हम अरेबिक और सीरिया की रेसिपीज़ जो हैं वो लाहौर में बैठे इंजॉय कर सकते हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने पाकिस्तान में लाहौर ही क्यों चूज़ किया, क्या इनको मालूम था कि लाहौरी खाबों के बहुत शौकीन हैं, और ये कैसे शवारमा बनाते हैं, इनकी स्पेशल रेसिपी क्या है, कौन से सॉसेस हैं, और इनसे पूछ रहे हैं कि इनका बिज़नेस अब कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। योर नेम इज़ अहमद। योर नेम अहमद। व्हाई यू चूज पाकिस्तान एंड स्पेशली लाहौर? आई कम इन लाहौर मी सूर्या टेस्ट इन यूट्यूब लाहौर। लाहौर माशाल्लाह इज़ वेरी नाइस, टू मच बिग, बट इन ऑल चेक वीडियो यूट्यूब very nice, then get me like to Lahore, then I come there. नाजरीन तो अभी आपको शवारमा बनाकर दिखा रहे हैं, वो रेसिपीज़ वो सॉसेस जो लोग सीरिया में अरब कंट्रीज़ में इंजॉय करते हैं, वो अब हमारे लाहौरी भी उन रेसिपीज़ से उन खाबों से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। तो ये किस तरह से स्पेशल तरीके से शवारमा बना रहे हैं आप बनता देख भी सकते हैं एक एक स्टेप, और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये कितनी जल्दी जो है वो शवारमे बना सकते हैं। इस वक्त ये 9 शवारमे एट अ टाइम बना रहे हैं और इनको कितना टाइम लगता है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप इनका स्पेशल स्टंट भी देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से जो है वो ब्रेड को आग के ऊपर रखकर सेक रहे हैं और शवारमा तैयार कर रहे हैं, और टाइम का भी और इनके टैलेंट का भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। अहमद का कहना है कि वो 17 साल से तकरीबन शवारमा बना रहे हैं शाम में, और अब इनको ख्याल आया कि क्यों ना पाकिस्तान जाया जाए और ख़ास तौर पर खाबों के शहर लाहौर में, खानों के शहर लाहौर में जाया जाए। और अब जो है ये मशहूर हो चुके हैं अपने स्पेशल स्टंट्स की वजह से और अपने स्पेशल सॉसेस की वजह से और शवारमे के टेस्ट की वजह से। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें वेजिटेबल्स यूज़ की हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, और एक स्पेशल सॉस यूज़ की है। मायोनीज़ तो यूज़ किया ही है लेकिन एक स्पेशल सॉस यूज़ की है, गार्लिक सॉस। ये बता भी रहे हैं कि गार्लिक सॉस है इसमें, शिमला मिर्च है, और इसमें क्या क्या डालेंगे वो आपको हम दिखाते जाते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि अहमद जो हैं वो किस तरह से चिकन के पीसेस उतार रहे हैं उसके ऊपर से और शवारमा रेडी कर रहे हैं, और किस कदर क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है शवारमा वो आप देख ही सकते हैं। ब्रेड जिस तरह से ये सेक रहे हैं आग के ऊपर वो तरीका आप अहमद का देख ही सकते हैं। यकीनन ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, प्रोफेशनल शेफ वही कर सकता है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अहमद कितने मंजे हुए शेफ़ हैं, और मुझे यकीन है कि ये शाम में भी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये बहुत मशहूर थे और इनके हाथ के शवारमे बहुत पसंद किए जाते हैं, तो यकीनन लाहौरी सही दीवाने हुए हैं इनके शवारमे के। और आप इनके शवारमा बनाते हुए भी देख सकते हैं कि अहमद जो शवारमा बना रहे हैं, नो डाउट बहुत टेस्टी होगा। टेल मी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यू ऐड इन शवारमा। या मतलब आई मेक दिस वन इज असल शवारमा इज असल मौजूद गार्लिक थूम, गार्लिक चिप्स, पिकल्स एंड सॉस शवारमा, दिस वन सॉस एंड चिकन, दिस वन इज असल। اما خضار طماطم दिस वन इज नॉट गुड फॉर शवारमा। तो ये कह रहे हैं कि जो शवारमा है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो बहुत सारी हम ऐड कर देते हैं, इन्होंने नाम भी लेकर बताए, वो शवारमे के लिए ठीक नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स ये डाल रहे हैं असल शवारमे में वही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, और आप बनते हुए भी शवारमे देख सकते हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और इनका जो तरीका है अहमद का, यकीनन जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, उससे कहीं ज़्यादा पाया है। वेयर यू वर्क बिफोर पाकिस्तान? Yeah, me work for number one, I work in Sham, Dumashq, Sham. Then finish, I go Lebanon. Finish Lebanon, then Iran, Seychelles. Then I go Dubai also. Then Sudan. Then now test Pakistan. Now test Pakistan. तो अहमद बता रहे हैं कि पाकिस्तान से पहले भी उन्होंने बहुत सारे ममालिक में काम किया है और यकीनन हर जगह इन्होंने जो है वो अपना नाम बनाया होगा। अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इनका शवारमा कैसा है, और मैं टेस्ट करने के साथ साथ आपको रिपोर्ट करती रहूँगी कि इनका शवारमा कैसा है। तो नाज़रीन अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि शवारमा कैसा है। ये इनका प्लेटर है और शवारमा प्लेटर, और गर्मा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, पता नहीं मैं इसको खाऊँगी कैसे।
अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाहौर और पाकिस्तान के शवारमा से बहुत अलग टेस्ट है इसका। यकीनन ये शाम और अरब कंट्रीज़ में जो खाया जाता है, जैसा कि ये बता रहे हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट है, ये हमारे आम शवारमा का टेस्ट नहीं है। नाज़रीन, आप जैसे ही उन्होंने डेकोरेट किया है वो भी देख सकते हैं, इसमें गाजरें हैं, इसमें खीरे हैं, शिमला मिर्च है, मिर्चें, हरी मिर्चें हैं और फ्राइज़ भी हैं। एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ जो मुझे शवारमा खाते हुए, इसे टेस्ट करते हुए पता चली है, शवारमा प्लेटर खाते हुए, वो ये है कि इनका शवारमे में कोई भी एक्स्ट्रा सॉसेज ऐड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं मसाले ऐड नहीं है, बहुत ही हेल्दी शवारमा है। सिर्फ इसमें जो है वो, अच्छा आप मेरी मायो सॉस भी आ गई है, व्हाट इज इट, ओके सो ये कह रहे हैं कि ये गार्लिक सॉस है, अब मैं इसमें डिप करके खाती हूँ। इसमें गार्लिक सॉस ऐड है, इसमें मायोनीज ऐड है, इसमें चिकन ऐड है और सब्ज़ियाँ ऐड हैं, यानी कि सब कुछ हेल्दी है। जो हम शवारमा खाते हुए जो है वो डरते हैं कि यार ये फास्ट फूड है, और फास्ट फूड तो बेशक ये भी है लेकिन ये बहुत हेल्दी है। अहमद, आर यू हैप्पी इन पाकिस्तान? डू यू लाइक द पीपल एंड योर सराउंडिंग्स इन पाकिस्तान? Yeah, mashallah, it's good. It's too much good. I'm too much like them. Mashallah, all Muslim, all good, mashallah. All heart good. They mean dil Lahore. दिल दिल लाहौर। और नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मेरा कैमरामैन क्लोज़ करके दिखाए, तो जब हम इन बाहर के शवारमास का चिकन खाते हैं वो बहुत ही स्पाइसी होता है और उसमें बहुत सारे मसाला ऐड होते हैं, लेकिन इनका चिकन बिल्कुल सादा है। जैसे ही उतारते हैं, गर्मा गर्म ब्रेड में ऐड करते हैं, फ्राइज़ ऐड करते हैं, बहुत ही हेल्दी टेस्ट है। और ये बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, हमें खा के लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, ये बिल्कुल भी रसा नहीं है। अमेजिंग, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड फ्रॉम अहमद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मैं तो खाने में मसरूफ़ होने वाली हूँ, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी आएंगे, टेस्ट करेंगे अहमद का शवारमा और शवाफिल पर एक बार ज़रूर आइए। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यकीनन, और मैं तो खाने में मसरूफ़ होने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।